नमस्कार एसएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और हमारे साथ हैं प्रोफेसर रतनलाल, जो बहुजन समाज की बात को ही नहीं पूरे देश की उन बातों को रखते हैं जो वाकई में ज़रूरत की बातें होती हैं। रतनलाल जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। रतनलाल जी, एक बात बताइए, कल एक मोदी साहब का इंटरव्यू था जो बहुत सराहनीय था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा, जो आज तक चैनल पर था, आपने भी देखा होगा और सारे पूरे देश ने, दुनिया ने, पूरे सब ने देखा है, और उन्होंने अपने कामों को बताया है बहुत अच्छे से, तो उसके बारे में क्या आप बोलेंगे वो बताएं। नहीं, एक तो है कि वो मन की बात ज़्यादा थी, काम की बात कम थी जी। और जब डेढ़ घंटा आपको बोलना पड़े, इसका मतलब है कि आपने काम कुछ नहीं किया, एक एक चीज़ देश की जनता को समझाना पड़ रहा है जी। तो समझाना पड़ रहा है, उसी से साफ होता है कि आप जो है, आप जो जिन बाधाओं पे, जिन मैनिफेस्टो पे आप आए थे, उस पर आप खड़े नहीं उतरे हैं। ये बात जाहिर है कि इन्होंने 3000 करोड़ की पटेल साहब की मूर्ति बनाई है, अच्छी बात है, मूर्ति बनाई है, लेकिन अगर उसी 3000 करोड़ का आप अस्पताल बनवा देते, 50-50 करोड़ से मल्टीप्लाई करके, सरदार वल्लभ भाई के नाम पे ही रखते, सरदार पटेल के नाम पे ही रखते, उसी पैसे से अगर स्कूल बनवा देते, चेन बनवा देते, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल, उसी पैसे से अस्पताल बनवा देते, यूनिवर्सिटी बनवा देते, तो शायद ये काम की बात होती। मूर्ति का बनना ज़रूरी है, लेकिन बनना चाहिए, लेकिन जितने ह्यूज पैमाने पे आपने खर्च किए उसका कोई मायने नहीं था। दूसरा, ये भी उनको बताना चाहिए कि कैसे राफेल से लेके और तमाम अडानी अंबानी, और कैसे कर माफ़ हो रहे हैं पूंजीपतियों के, कैसे जो है माल्या और तमाम मेहुल चौकसी एंड सब लोग पैसे लेके भाग रहे हैं। ये तो भागने की भागम भाग लीला हो गई सरकार में, कि हज़ारों हज़ार करोड़ रुपये लेके भाग गए लोग। तो इन सब मुद्दों को भी बताना चाहिए था, ये भी बताना चाहिए था कि विश्वविद्यालय अभी जो है सारा अपॉइंटमेंट बंद है, हज़ारों की संख्या में यहाँ वैकेंसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक धरने से आ रहा हूँ और 5000 से ज़्यादा यहाँ एडहॉक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सामाजिक न्याय की खुलेआम हत्या हो रही है, रेल बेच दिए, ट्रेन बेचने जा रहे हैं सब, तो तमाम कुछ ना कुछ जो है वो हवाई जहाज, ऑल प्राइवेटाइजेशन। तो आप बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब गले में माला और विचारों पर ताला है कि जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, जो हिंसा बढ़ रही है, दलितों पे पड़ी है या मुसलमानों पे पड़ी है, तो इन सब बातों पे भी समीक्षा होनी चाहिए ना। तो आपने जो है वन वे ट्रैफिक, आपने अपनी बात कह दी, तो ज़रा समाज के मन की भी बात सुन लीजिए कि समाज आपके कार्यों की समीक्षा कैसे कर रहा है। जाहिर है अच्छे दिन आए हैं, लेकिन अच्छे दिन कुछ पूंजीपतियों के आए हैं, कुछ भगोड़ों के आए हैं, और आम जनता त्राहिमाम है, और इसका जो रिजल्ट है, 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें आपने देख भी लिया है, तेलंगाना में तो शायद एक ही जीते हैं, इनका एक भी नहीं है। तो मिला जुला के जो है वो सब लोग अपनी अपनी बात बढ़ा चढ़ा के कहता है, लेकिन मैं इतिहास का शिक्षक हूँ और हम लोग का काम ही होता है कि एक व्यक्ति के, एक समाज के, एक राजा के, एक तमाम कार्यों की समीक्षा करना। और जैसे उन्होंने एक आध बात कही है कि भाई वो जो सरकार पे, राफेल का डील का मामला सरकार पे था, तो सरकार और नरेंद्र मोदी क्या अलग अलग है क्या? जो आप पिछले चुनाव में आए थे तो क्या नारा था आपका कि अब की बार भाजपा सरकार की, अब की बार मोदी सरकार? तो मोदी सरकार को मुखिया चूंकि आप हैं, पूरी सरकार आपके लीडरशिप में चल रही है, तो आपको तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ऐसे कह के कि सरकार का, सरकार कौन हेड कर रहा है, और अभी भी चुनाव में आप जा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स और हज़ारों हज़ार करोड़ रुपये एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हैं, मोदी जी के फोटो जो है कहाँ गैस से लेके पेट्रोल पंप तक घूम रहे हैं, तो जहाँ पे लाभ लेना हो तो आपका नाम होगा, और जहाँ पे हेरा फेरी हो तो आपका नाम नहीं, तो ये चलेगा नहीं। इलेक्शन भी नज़दीक है, तो कहाँ देखते हैं कि कौन सी पार्टी सरकार बना पाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा जरूर उजागर करेंगे। जिस हिसाब से आपने कामों के बारे में बताया, मोदी सरकार ने अपने कामों के बारे में बताया, ये क्वेश्चन हमारा मोदी सरकार को लेकर ही था, तो 2019 के अंदर कहाँ देखते हैं आप बीजेपी और कांग्रेस इन सब चीज़ों को? देखिए, अभी बीजेपी तो बैकफुट पे है, क्योंकि सरकार 5 साल इन्होंने चलाया है, कई सूबों में इनकी सरकारें हैं और रही हैं, तो सवालों का जवाब तो है जनता इनसे मांगेगी कि पहले अपना मैनिफेस्टो लाइए और दिखाइए कि आपने क्या क्या डिलीवर किया। तो थोड़ा सा जवाब अब इनको देना है, 2014 में जवाब जो है कांग्रेस को देना था या यूपीओ को देना था, लेकिन अब 5 साल ही सरकार चला चुके, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात रही कि कैसे सरकार बने, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से खास तौर से वंचित जमात में किसानों का सवाल है, दलितों का सवाल है, चाहे निजीकरण का सवाल है, पिछड़ों का सवाल है, माइनॉरिटीज़ का सवाल है, जिस तरह से 4.5 साल में उन पर दमन बढ़े हैं, तो ये तमाम वंचित जमात जो है ना आक्रोशित है, तो वो इनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है।
इसलिए इनको बताना। लेकिन ये है कि महागठबंधन गठबंधन भी दूसरी ओर है और उसमें कई तरह की पेचीदगियाँ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जनता जो इनको हराने के लिए तैयार हो।